इसमें लगा देंगे यहाँ पे, तो देख सकते अपनी ये एलईडी काफ़ी अच्छे तरीके से ब्राइटनेस के साथ जल रही है यहाँ पे देख, तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस को माइनस पे लगाते हैं और प्लस को प्लस में। हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम यहाँ पे एक हमारे पास लैपटॉप बैटरी है यहाँ पे, उसी को हम मॉडिफाई करने वाले हैं। देख सकते हैं ये मेरे हाथ में यहाँ पे रही लैपटॉप की बैटरी, तो फ्रेंड इसी को हम आज मॉडिफाई करेंगे। तो ये आपको वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पे सेट करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलते फ्रेंड अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए बड़े क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये सिम दिया गया है यहाँ पे लाइन टाइप के, यहीं से हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो पेचकस होता है उसे यहाँ पे और हाथ से प्रेस करना पड़ेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो फिर हमने पहले से यहाँ पे ओपन करके रख दिया था ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फ्रेंड क्या कहें कि इसको उसके बाद हम बाहर निकालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड की सारी बैटरी को हमने यहाँ पे साफ कर दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद फ्रेंड लेंगे यहाँ पे मल्टीमीटर, देख सकते हैं फिर ये रहा हमारे पास मल्टीमीटर। फिर क्या करें कि मल्टीमीटर पे हटा लेते हैं तो फिर इसको 20 वोल्ट पे यहाँ पे सेट करते हैं 20 वोल्ट पे, देख सकते हैं। तो देख सकते फिर यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे खराब थी यहाँ पे देख सकते हैं ये दो बैटरी, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बैटरी हमारी यहाँ पे अच्छी से निकली है यहाँ पे देखते हैं। तो देख सकते हैं कि उसमें से 4 हमारी बैटरी अच्छी निकली थी। उसके बाद फिर हमने 2 बैटरी और ले लिया यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिर 1850 2000 mAh की 3% की बैटरी है, यहाँ पे 2 पीसे में ले लिया था। उसके बाद फिर देखते हैं इसका आपको वोल्टेज यहाँ पे चेक कराते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 7 वोल्ट दे रहा है यहाँ पे दोनों बैटरी को, यहाँ पे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ये दोनों बैटरी यहाँ पे फुल चार्ज है। तो फिर ये जो बैटरी है ये देख सकते हैं दोनों फुल चार्ज है, तो आपको फुल ही चार्ज चलना है यहाँ पे। जो 2 वोल्टर है तो आपको उसको चार्ज करके 3.6 वोल्ट के आसपास कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे BMS वो चार्ज नहीं कर पाएगा। प्लस प्लस एक में और माइनस माइनस एक में यहाँ पे सारी बैटरी को इस तरह से दोनों का पेयर यहाँ पे बना देना है। फ्रेंड जो ये सारी बैटरी है इसका हमने कनेक्शन कर दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 बैटरी यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक में करना है और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एक में करना है, देख सकते हैं। फिर सारी बैटरी को उसी तरह किया है, दो दो का पेयर हमने बना दिया नेगेटिव नेगेटिव एक में, पॉजिटिव पॉजिटिव एक में, और इसका भी कर दिया नेगेटिव नेगेटिव एक में और पॉजिटिव पॉजिटिव एक में। फ्रेंड तो फ्रेंड ये जो कनेक्शन था पहले उसी तरह से हमें करना है। तो फ्रेंड उसको करने के लिए फ्रेंड क्या करना होगा कि जो ये माइनस पॉइंट है इसको इधर रखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये माइनस पॉइंट हो गया और ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे इस तरह से जुड़ेगा, और फ्रेंड क्या करते हैं जैसे ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, इसी तरह से फ्रेंड उसको बॉडी में लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा हमने जम्पर वायर लगा दिया है यहाँ पे दोनों के बीच बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं बीच पार्ट में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लगा दिया। फिर उसके बाद फिर लेंगे टेप को और टेप के ऊपर इसको दोनों तरफ से बैंड कर देंगे यहाँ पे, देखिए अच्छे तरीके से हील हो लेना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको टेप हमने चिपका दिया है यहाँ पे। उसके बाद फिर लेंगे इसको जो बॉडी था नीचे वाला पार्ट को ले लेना है, और फिर देख सकते हैं जो ये BMS था इसको ले लेना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या करना, जो कनेक्शन जो भी जैसे कनेक्शन था किया गया था इस बैटरी में वैसे ही करना है, तो इसका नीचे वाला पैक को ले लेना है। उसके बाद फिर क्या करें इसको उठा करके और इसमें यहाँ पे सेट कर देंगे यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख सकते फ्रेंड कि यहाँ पे जो ये बैटरी है सब फिक्स हो चुका है यहाँ पे, और उस पर देख सकते BMS को लगाएंगे तो BMS को हमने लगा दिया था पहले ही, और उसके फिर जो इसको कनेक्शन करना है तो कनेक्शन जो इससे पहले था वैसे ही कर लेते हैं। तो देख सकते फिर जो ये वाइट वायर है यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे आपको पास से यहाँ पे दिखाई देते हैं, यहाँ पे जो ये वाइट वायर है यहाँ पे ये वाइट वायर जो कि यहाँ पे जुड़ जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे।
तो देख सकते इसका हमें 12 वोल्ट आउटपुट ट्रेल लाइन पर कंटिन्यू यहाँ पे ये 20 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया है। और उसका फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे BMS का यहाँ पे जो ये मैनेज पॉइंट है यहाँ पे, और उसका जो प्लस का आया है यहाँ पे देख सकते फ्रेंड आपको टेस्टिंग करके यहाँ पे दिखाए थे चेक करके कि आपको कहाँ पे यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा इस BMS में। BMS फ्रेंड दो प्रकार का आता है, एक आता है कि जो पहले से ही मेंशन होता है और एक होता है कि मेंशन नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 10-20 के आसपास आ रहा है 10 वोल्ट के आसपास। तो ये फिर जब फुल चार्ज हो तो ये फिर हमारा 12 वोल्ट दे देगा ये बैटरी, ये फ्रेंड फुल चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो उसका फ्रेंड क्या कहें कि यहाँ से और यहाँ से कि वायर दो वायर सोल्डिंग करके और उसको यहाँ से थोड़ा सा हम होल्ड कर देंगे, होल्ड करके यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे पड़े यहाँ पे दोनों पार्ट पे यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया हमने प्लस का प्लस पे और माइनस का माइनस पे साइड से हमने होल्ड कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड से नहीं किया, किया था फ्रेंड हमने क्योंकि ये ऊपर का कैप हमारा जो है ये बंद नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसे अंदर से कर दिया। तो उसका फिर क्या कहें कि इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो देखिए बढ़िया पे अच्छे तरीके से हमने चिपका करके उस पर टेपिंग कर दिया है अच्छे तरीके से। और देख सकते हैं ये हमारा दो वायर यहाँ पे निकल चुका है, फिर इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए फिर यहाँ पे लेंगे हम मल्टीमीटर, पहले आपको मल्टीमीटर से आपको चेक करा देते हैं कि इसका वोल्टेज यहाँ पे कितना शो हो रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीमीटर का वायर फिर कितनी देखिए नेगेटिव वोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। देख सकते हैं 10.28 वोल्ट के आसपास आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए फिर मल्टीमीटर चेक हो चुका है, उसको ऑफ कर सकते हैं। उसका फिर देख सकते हैं ये हमने मिली है यहाँ पे 12 वोल्ट की LED, क्योंकि 12 वोल्ट की DC 12 वोल्ट से चलने वाली LED है यहाँ पे। 12 वोल्ट लिखा है यहाँ पे। तो चलिए फिर इसके पॉजिटिव लगाते हैं नेगेटिव में और आपको इसका प्रकाश हम दिखाते हैं अच्छी तरीके से। माइनस में लगा देंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये LED काफ़ी अच्छे तरीके से अभी ब्राइटनेस के साथ जल रही है यहाँ पे। देख सकते हैं फ्रेंड एक लाइट को हम यहाँ पर ऑफ करके आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं लाइट आओ यहाँ पे, एक लाइट को हमने ऑफ कर दिया यहाँ पे। देख सकते हैं इसका फ्रेंड ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। देख सकते फ्रेंड वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड लाइक कर देना है, कुछ तरीका है भीख मांगने का। तो देख सकते फ्रेंड उसका क्या करेंगे कि इसे हम मोटर आपको चला करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो देख पड़े यहाँ पे ये है सैमसंग 5DC मोटर जो 12 वोल्ट पे चलता है। यहाँ पे टेप हमने लगा दिया आपको दिखाने के लिए यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस को माइनस पे लगाते हैं और प्लस को प्लस में। तो देख सकते फ्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से पे रन कर रही है यहाँ पे। उसको फिर नहीं देख सकते आपको चार्ज करना होता है इस तरह के फिर मिल जाए ऐप खरीद लेना मार्केट से। और उसको फिर देख सकते ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे और उसके बाद इस तरह से चार्ज लेना 12 वोल्ट का, उस तरह से लगा करके यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जुड़कर चार्ज कर सकते हैं बैटरी को फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।